बदला जाएगा फिरोज शाह कोटला स्टेडियम का नाम, अरुण जेटली के नाम पर स्टेडियम का नाम अब रखा जाएगा। डीडीसीए ने की है नाम बदलने की घोषणा, तो अरुण जेटली के नाम पर रखा जाएगा फिरोज शाह स्टेडियम का नाम। आपको बता दें बड़ी खबर अब आपको दिखा रहे हैं, डीडीसीए ने नाम बदलने की घोषणा की है। और भुवन शर्मा हमारे संवाददाता इस खबर पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। भुवन, जिस तरह से खबर आ रही है, कहा जा रहा है कि फिरोज शाह कोटला स्टेडियम का नाम बदला जाएगा और अरुण जेटली के नाम पर रखा जाएगा, क्या कुछ अपडेट है फिलहाल? अन्या, फिरोज शाह कोटला का जो ग्राउंड है दिल्ली में, इसका स्वामित्व दिल्ली जिला क्रिकेट संघ का है, यानी कि डीडीसीए के पास है और डीडीसीए के ही अध्यक्ष रहे अरुण जेटली, जिन्होंने खेल और क्रिकेट के क्षेत्र में भी बहुत योगदान दिया। तो जाहिर है डीडीसीए ने एक तरह से उनको ट्रिब्यूट दिया है। फिरोज शाह कोटला स्टेडियम का नाम बदलने का फैसला किया गया और अरुण जेटली के नाम पर रखने का फैसला किया गया और ये नया नामकरण जो है आने वाले 12 सितंबर को होगा। ये एक बाकायदा एक समारोह में इसके लिए एक समारोह किया जाएगा और ये समारोह दिल्ली के ही जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में होगा, जिसमें खासतौर पर गृह मंत्री अमित शाह और खेल मंत्री किरण रिजिजू भी शामिल होंगे। आपको बता दूं अनन्या कि शनिवार को अरुण जेटली का निधन हो गया था, उसके बाद पूरे देश में शोक की लहर थी। अरुण जेटली को लोग अपने अपने तरीके से याद भी कर रहे थे। डीडीसीए के चूंकि वो अध्यक्ष थे और फिरोज शाह कोटला जो मैदान है उसमें आधुनिक सुविधाओं से उसको लेस करना, वहाँ की जो दर्शक क्षमता है उसको बढ़ाना, साथ ही साथ जो ड्रेसिंग रूम है उसको विश्व स्तर का बनाने का जो काम अरुण जेटली ने किया, उसकी हर बार वक्त वक्त पर तारीफ जो है वो होती रही है और उसके लिए उनको काफी सराहना भी मिलती रही है। इस वक्त डीडीसी के अध्यक्ष रजत शर्मा हैं और उन्होंने कहा कि अरुण जेटली का सहयोग और प्रोत्साहन था कि जो विराट कोहली, वीरेंद्र सहवाग, गौतम गंभीर, आशीष नेहरा, ऋषभ पंत, ये सब दिल्ली के से निकले हुए खिलाड़ी हैं जिनको फिरोज शाह कोटला जैसा मैदान मिला तो उन्होंने अपने आप को साबित भी करके दिखाया। तो भारत को गौरवान्वित करने वाले खिलाड़ी को प्रोत्साहित करने का काम अरुण जेटली ने डीडीसीए के अध्यक्ष रहते किया, तो एक बड़ा योगदान था भारतीय क्रिकेट पे अरुण जेटली का एक तरह से डीडीसीए के अध्यक्ष होने के चलते, और इस वजह से एक उनको सम्मानित करने की और उनको ट्रिब्यूट देने की ये एक कोशिश है और ये एक कदम है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए।